नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बायोलॉजिस्ट डे अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित दो नए नोटिफिकेशन हैं उनकी बात करेंगे और आज की सभी अपडेट की बात करेंगे, जिसमें पीजीटी पीजीटी पेपर डी के मामले और अन्य मामले को लेकर के अपडेट है। तो सबसे पहले तो नोटिस, पहला स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पटना जो है उसको लेकर के यहाँ पर लिखा गया है। विषय देखेंगे तो क्या है कि दिनांक 29 अप्रैल 2024, जो कि आज की तारीख है, इसे 4 मई 2024 तक संचालित माध्यमिक 9 से 10 विद्यालय में जो विज्ञान विषय पढ़ाने वाले जिला पटना के शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण होना था, तो उस प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया है, उसी को लेकर के नोटिस जारी किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय और संगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय पढ़ाने वाले शिक्षक का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण था मई 2024 4 मई तक एससीईआरटी बिहार पटना में, लेकिन अपरिहार्य कारणों से जिला पटना के प्रशिक्षण को स्थगित किया जाता है। अगली नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना की तरफ से ही है। इसमें भी क्या बात की गई है, इसमें संजय कुमार जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के, उनकी तरफ से लिखा गया है, जिले के सभी TRE1 के अंतर्गत नियुक्त और कार्यरत कंप्यूटर विद्यालय शिक्षक 11 से 12। इसमें लिखा है कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए जो विद्यालय अध्यापक हेतु शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो जमा करने के संदर्भ में। इसमें एक आदेश की बात की गई 5 अप्रैल 2024 के, और उक्त आलोक में जिले के सभी TRE1 के तहत नियुक्त और कार्यरत कंप्यूटर विज्ञान विषय विद्यालय अध्यापक 11 से 12 को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 29 अप्रैल 2024 को संध्या 5 बजे तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने कंप्यूटर शिक्षक संबंधी अर्हता का वाटरमार्क प्रमाण पत्र, जैसे BTEC, BE, डिप्लोमा, इनको अचूक रूप से जमा करना सुनिश्चित जो है वो करें। अगर ससमय प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो वेतन जो है वो स्थगित किया जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं आज की अपडेट। तो सबसे पहले अपडेट है TGT शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग को शामिल करके प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को जो है वो चुनौती दी। 2021 में इसका जारी हुआ था 12,603 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन, प्रयागराज से न्यूज में बताया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने TGT शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT में सहायक शिक्षकों की जो भर्ती है उसके लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने वाली एकल पीठ है उसके आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचिकाओं को अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय भी दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने जो है वो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जो हाईकोर्ट की एकल पीठ है उसके आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर पारित जो है वो किया था। और मामला देखिए यहाँ पर पूरा बताया गया है कि 2021 में जारी हुआ था 12,603 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन। मामला वर्ष 2021 की सहायक अध्यापक भर्ती का है। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12,603 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। ओबीसी श्रेणी के लिए जारी कट ऑफ अन्य उम्मीदवार के बराबर होने के कारण उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया था और इस सूची में आरक्षित श्रेणी से कम अंक पाने वाले सामान्य अभ्यर्थियों को सबसे ऊपर रखा गया था, जबकि ज्यादा अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको सामान्य श्रेणी की सीटों से वंचित किया जा रहा था। इसी के खिलाफ अखिलेश कुमार और अन्य की ओर से एकल पीठ में याचिका दाखिल की गई थी जिसे एकल पीठ ने स्वीकार किया था और प्रतीक्षा सूची नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया था। अब इसके अगली जो सुनवाई है वो 15 मई को जो है वो होगी। अगली अपडेट, पेपर लीक के सभी 5 आरोपी जेल भेजे गए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक का मामला है उसमें उज्जैन से गिरफ्तार सभी 5 जो आरोपी थे उनसे पूछताछ की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कुछ नए लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, फिलहाल खुलासा भी नहीं किया गया है। पूछताछ में कंकड़बाग समेत कई स्थानों पर छापे भी जो है वो उसके आधार पर लगातार मारे जा रहे हैं। यहाँ पर लास्ट में वही लिखा है कि दूसरे राज्यों में भी गिरोह के तार जुड़े हुए हैं, वहां की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उसने पेपर लीक किया है, पूछताछ में इसको लेकर के भी खुलासे हुए हैं।
अगली अपडेट, शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा के तार प्रयागराज से भी जो है वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर माध्यमिक की फर्जी ईमेल आईडी से जो कल अपडेट आपको दी थी उसमें भेजेगा, जो पैनल था उसमें 9 शिक्षकों को एडेड इंटर कॉलेजों में नियुक्ति कराने का जो खेल था उसमें सीतापुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, वाराणसी, इन सभी से जुड़ गए तार, और विभिन्न शिक्षकों के नाम भी इसमें जो है वो शामिल देखने को लगातार मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। तो इसी की लगातार जो है वो जांच की जा रही है। अगली अपडेट आपकी, यूपीएससी कैलेंडर जारी कर दिया है, पीटी 25 को होगा ये परीक्षा कैलेंडर। इसमें सारी सबने डेट लिखी है, अंतिम तिथि लिखी है, परीक्षा तिथि लिखी है। सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा 22 अगस्त 2025 से 5 दिन तक आपकी चलेगी, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट, देश में बेरोजगारी और गरीबी चाहिए तो एनडीओ को वोट दें, ऐसा तेजस्वी यादव जो है उनके द्वारा कहा गया, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है ये है। जिले के अंदर ओपन ना ही पारस्परिक तबादला हुआ, यहाँ पर सत्र बीतने के बाद स्थानांतरण को लेकर शिक्षक भी सशंकित हैं। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें परिषदीय जो शिक्षक हैं उनका ना तो जिले के अंदर ओपन तबादला हो सका है ना ही अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले की कार्रवाई हो पाई है। इसी को लेकर के यहाँ पर पिछले जो वर्ष है उनको लेकर के बात की गई है कि 2017 से अब तक 3 बार हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के चलते दूसरे जिलों से आए जो शिक्षक शिक्षिका हैं उनको जिला मुख्यालय के अपेक्षाकृत करीब तैनात नियमावली 2010 के तहत आवंटित कर दिए गए हैं। ऊपर देखेंगे तो जिले में पारस्परिक तबादले की जो मांग है वो सूचना को लेकर के बताया गया है, इसकी सूचना मांगी गई है। 25 अप्रैल को भेजे गए पत्र में लिखा था कि 24 जनवरी को अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप ऐसे शिक्षक और शिक्षिका जो कार्यमुक्त नहीं होना चाहते हैं उनकी प्रत्यावेदन स्पष्टीकरण प्राप्त करके विवरण उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। अगली अपडेट है आपकी, एपीएस भर्ती 13 में धांधली को लेकर के बैठक आज। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय भर्ती 2013 में गंभीर धांधली को निष्पक्ष जांच और परीक्षण कराने को लेकर के 12 लोगों ने अलग अलग शपथ पत्र पर प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग से शिकायतें जो है वो की हैं। साथ ही ये भी अनुरोध किया है कि सरकार की संस्तुति हाईकोर्ट में इस मामले संबंधित विचाराधीन स्पेशल अपील है उसमें दाखिल की जाए ताकि पुनर्परीक्षा जो है वो कराई जा सके। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट है जो कि है, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में 12वीं में सभी फेल हो गए। तो मध्य प्रदेश का जो सरकारी स्कूल है उसमें ये हर किसी के लिए ऐसा हैरानी का विषय है, ग्रामीण और अभिभावक जो है उनमें आक्रोश है, और शिक्षकों ने क्या पढ़ाया इसकी जांच की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, ये सारी बातें भी यहाँ पर लिखी गई है। ये सरकारी स्कूल की बात हो रही है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।